फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एक पेंशन धारक हैं और यहां पर सरकार तरफ से सामाजिक सुरक्षा कल्याण विभाग की तरफ से जारी पेंशन ले रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रदेश के बारे में जहाँ पर सरकार तरफ से पेंशन जो जारी की जाती है वो आपके खाते में सर्वाधिक पेंशन जारी की जा रही है। यानी आपके खाते में 4,000 से लेके आपके खाते में 15,000 रुपये तक यहाँ पर पेंशन जारी की जा रही है। जैसा कि सरकार की तरफ से यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा कल्याण विभाग की तरफ से अगर बात की जाए तो यह पेंशन धनराशि आपके खाते में जारी की जाती है। यहाँ पर 15,000 रुपये जो पेंशन आपको हर महीने दी जाएगी वो आपको दिव्यांग यानी विकलांग पेंशन धारकों को मिलेगी। साथ ही साथ जो 100% यहाँ पर विकलांग होंगे ऐसे नागरिकों को सरकार की तरफ से 15,000 रुपये पेंशन जारी किए जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे ऑफिशियल डाटा का, तो वीडियो कंट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यह बड़ी अपडेट है सभी पेंशन धारकों के लिए। तो सबसे पहले आपको गूगल पेज पर आना है और यहाँ पर टाइप करना है पेंशन। पेंशन टाइप करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रदेश का नाम लिख लेना है, और प्रदेश का नाम आप लिख देंगे जो भी आपका प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, तो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे यहाँ भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को आपको मिलेगी और यहाँ पर आपको नीचे आना है। सरकार की तरफ से जो पेंशन जारी की जा रही है वो सारा कुछ आप यहाँ पर आसानी से देख पाएंगे। सरकार की तरफ से यह पेंशन आपके खाते में हर महीने के तौर पर उपलब्ध कराई जाती है। यह पेंशन धारक जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे पेंशनर्स के लिए यहाँ पर सरकार तरफ से बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे पहले लिंक पर क्लिक करेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, NTR भरोसा पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से यह पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है। चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के CM हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, श्री चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। अब इन्होंने बड़ी अपडेट की, नई सरकार बनते ही इन्होंने पेंशन जो मिल रही थी पहले, यहाँ पर पेंशन जो धनराशि पहले जारी हो रही थी वो 3,000 रुपये महीने जारी हो रही थी, और यहाँ पर सरकार बनते ही यहाँ पर 1,000 रुपये का वृद्धि कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर अब आपके खाते में 4,000 रुपये पेंशन जारी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सामाजिक सुरक्षा, जिसमें विकलांग और बहुत सारे वृद्ध, विधवाएं, महिलाएं इसमें शामिल हैं, इसके अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे सारी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। सरकार की तरफ से यह अपडेट आपको ऑफिशियल डाटा पर ले जाकर आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा अगर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर पेंशन जो जारी की जा रही है ये यहां पर जारी की जा रही है आंध्र प्रदेश में। तो यहां पर आप देख पाएंगे सरकार की तरफ से भरोसा सबसे ज़्यादा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन गरीब परिवारों को दिया जा रहा है, कमज़ोर वर्ग के परिवारों को यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं शामिल की गई हैं। यह आपका अपडेट जो हुआ है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 13/6/2024 के तहत जारी आदेश के अनुसार अब वृद्धावस्था, ताड़ी निकालने वाले नागरिकों को, वहीं महिलाओं को, मछुआरों को, सबको मोची ट्रांसजेंडर एवं दंपु कलाकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन धनराशि बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रतिमाह, विकलांग नागरिकों के लिए विकृति जो है उनको 6,000 रुपये, पूरी तरह से विकलांग जो है उनको 10,000 रुपये, और यहाँ पर 15,000 रुपये भी आपको यहाँ पर पेंशन धनराशि दी जा रही है, जैसा कि सरकार की तरफ से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये अप्रैल में 2024 में यह किया गया था। विकलांग पेंशनर्स के लिए यहाँ पर 6,000 रुपये की गई है, जो पूरी तरह से विकलांग हैं उनके लिए 15,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। किडनी थैलेसीमिया से पीड़ित, पुरानी बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को 10,000 रुपये पेंशन यहाँ पर धनराशि जारी की जा रही है। तो यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा यहाँ पर बड़ा अपडेट दिया गया है, सामाजिक सुरक्षा ले रहे पेंशनधारकों के लिए बड़ी अपडेट है, और यहाँ पर यह पेंशन धनराशि आपके खाते में सीधे DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र भी की जा रही है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहाँ से सारी जानकारी और भी ले सकते हैं। हालाँकि सरकार की तरफ से यह जो पेंशन जारी की जा रही है, हर महीने आपके खाते में यह धनराशि आपके खाते में ट्रांसफ़र भी की जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा अभी आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ यहां पर बात करें तो यहां पर अपनी धनराशि भी देख सकते हैं, कितनी धनराशि आपको यहां पे खाते में भेजी गई है। जैसा कि सरकार की तरफ से यह पेंशन अपडेट कर दिया गया है और आपके खाते में पेंशन धनराशि भेज दी गई है। देखिए सरकार की तरफ से पेंशनर्स की संख्या, उसका नाम और अमाउंट कितना ट्रांसफ़र किया गया है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सारा कुछ आप देख पा रहे होंगे। यानी गवर्नमेंट की तरफ से 99% या
पेंशन आपके खाते में भेजी जा रही है। जिन पेंशनर्स ने अपना EKYC कंप्लीट कर रखा है, अपना बैंक DBT सक्रिय करा रखा है, उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, उनके खाते में यह धनराशि सीधे ट्रांसफ़र की जा रही है। अब हम बात करते हैं ऐसे प्रदेश के बारे में जहां पर कम पेंशन जारी की जा रही है, तो यहां पर अगर अपना डाटा देखना भी चाहते हैं तो आप यहां पर आकर पूरा डाटा देख भी सकते हैं, आपके प्रदेश में कितनी धनराशि जारी की जा रही है आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बट इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे पेंशनर्स जो जहाँ पर पेंशन जारी की जा रही है, जैसे कि अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में अभी आपका पेंशन 3,000 रुपये हर महीने दिया जा रहा है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो UK की बात करते हैं तो 1,500 रुपये हर माह पेंशन दिया जा रहा है। वहीं अभी UP की बात करते हैं तो UP में अभी 1,000 रुपये दिया जा रहा है, लेकिन ये भी सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह डाटा देखने को मिला है कि 1,000 की जगह अब आपको 500 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल डाटा में 500 रुपये दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये कोई प्रकार का बग हो, कोई प्रकार का सॉफ्टवेयर में समस्या हो, लेकिन जो पेंशन अभी जारी की गई है यहाँ पर 27 जुलाई को, तो वो पेंशन आपको वृद्धावस्था वो आपको यहाँ पे 1,000 के हिसाब से 3,000 रुपये पेंशन जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में पेंशन अभी 1,500 रुपये जारी की जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभी 600 रुपये पेंशन जारी की जा रही है। वहीं हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान सरकार की तरफ से यहाँ पर पेंशन जो जारी की जा रही है वो आपको 1150 से लेके 2,500 रुपये पेंशन दी जा रही है। वहीं पर अगर हम मैं बात करूं दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, तो दिल्ली सरकार की तरफ से भी आपको यहां पर जो कि 2,500 रुपये पेंशन दिए जा रहे हैं। तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर पेंशन ज़्यादा मिल रही है, कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर पेंशन आपको 500 रुपये मिल रहे हैं। जैसे कि बिहार की बात करें तो 500 रुपये पेंशन मिल रही है, अन्य राज्यों की बात करें तो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग पेंशन जारी की जा रही है। हालांकि आप अपने प्रदेश के बारे में डाटा जानना चाहते हैं, आपके प्रदेश में कितनी पेंशन जारी की जा रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको जानकारी हो सके। और जिनकी पेंशन रुकी हुई है, वो चाहते हैं कि हमारी पेंशन फिर से लगातार मिलती रहे, इस पर अपडेट चाहते हैं, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर सभी प्रश्नों का आपका जवाब दिया है। इससे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा खेती से संबंधित हेक्टेयर बीघा विश्व क्या होता है, कच्चा बीघा पक्का बीघा क्या होता है, वर्गाकार त्रिभुजाकार समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें, बंटवारा कैसे करें दो भागों में, तीन भागों में बराबर, तो इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। लगभग 300+ वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, अपने खेती से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। अमीन से संबंधित कोर्स आपको मिल जाएगा, लेखपाली का कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से सारा कुछ सीख भी पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा है, आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।